हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस के रेट के ऊपर टेम्परेचर के इफेक्ट को स्टडी किया और इन डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस की रेट के ऊपर टेम्परेचर के इफेक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए दो तरह की थ्योरीज दी गई। फर्स्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट थ्योरी, जिसके बारे में अपन ने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया, और दूसरी है आरएनएस थ्योरी, जिसको इस लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा आरएनएस थ्योरी, आरएनएस थ्योरी। केमिकल रिएक्शन की रेट के ऊपर टेम्परेचर को के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए आरएनएस ने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, और वो है के इज इक्वल टू ए स्मॉल ई रेस टू पावर ई ए अपॉन आर टी। इसको कहते हैं अपन आरएनएस इक्वेशन। इस आरएनएस इक्वेशन के अंदर के है रेट कांस्टेंट, स्मॉल ए है आरएनएस पैरामीटर, और आरएनएस कोफिशिएंट और फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। न्यूमेरिकल में किसी भी नाम से आपको इसकी वैल्यू दी जा सकती है। ई है ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी, एंड टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन के अंदर। क्लियर? तो इस रिलेशन से अपन को पता लग रहा है कि रेट कांस्टेंट, दैट इज रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, वेरी प्री एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर। अब अगर ए की यूनिट की बात करें तो देखिएगा इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे अपन। देखिए, ये वाली टर्म है एनर्जी, क्लियर, और ऊपर भी है एनर्जी। दैट मींस ये वाली टर्म ई ए अपॉन आर टी यूनिटलेस होगी। क्लियर? इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए, इसकी एनर्जी होती है जूल, ई ए की एनर्जी सपोज अपन ले लेते हैं जूल, आर की यूनिट जूल के अंदर होगी जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर? और टी की यूनिट होती है केल्विन। क्लियर? तो ऊपर है जूल, देखिएगा ऊपर है जूल, नीचे हो गया जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर? और टी केल्विन, कैसे के कट गया, जूल से जूल कट गया, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट लेस। दैट मींस जो यूनिट रेट कांस्टेंट की होगी वही यूनिट प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की भी होगी। ओके, अब अपन बात करते हैं इसके डिफरेंट फॉर्म की। अब यूनिट को अगर मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्मूले के रूप में लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन टाइम इनवर्स। क्लियर? ओके, अब इस आरएनएस इक्वेशन को अपन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिएगा, अब मैं अगर इस इक्वेशन के दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लूं, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये मिलेगा। क्लियर? अब अगर नेचुरल लॉग की जगह अगर टेन बेस लॉग टेन बेस की फॉर्म में अगर लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, 2.303 लॉग 10 बेस के
इज इक्वल टू 2.303 log 10 बेस a माइनस ई ए अपॉन आर टी. क्लियर. सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है. क्लियर. इसको एक डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकता हूं. 2.303 को लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाता हूं तो देखिएगा क्या होगा. log 10 बेस k इज इक्वल टू 2.303 को इसके नीचे लिखूंगा, डिवाइड करूंगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. 2.303 log 10 बेस a माइनस ये वाला 2.303 इधर भी आएगा, ई ए अपॉन 2.303 आर टी. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3. इसके अगर ग्राफ की बात करूं तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा देखिए. फॉर इक्वेशन नंबर 2, फॉर इक्वेशन नंबर 2 देखिएगा, एल एन के एंड 1/t. क्लियर. ये हो गया वाई और ये हो गया स्लोप और ये हो गया इंटरसेप्ट. स्लोप कैसा है? नेगेटिव. मींस ग्राफ कैसा आएगा? इस तरीके से. और इसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस ई ए अपॉन आर टी. क्लियर. और जो इंटरसेप्ट है वो क्या हो गया? एल एन ए. इंटरसेप्ट क्या हो गया? इंटरसेप्ट एल एन ए. ओके. इसी तरीके से फॉर इक्वेशन नंबर 3, या मैं बोल दूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो जो ग्राफ होगा वो किस तरीके का मिलेगा आपको? log 10 बेस k और 1/t. ग्राफ कैसा होगा? इसी तरीके से. लेकिन यहां पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा? स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर. सॉरी, यहां टी नहीं आएगा, ये स्लोप हो गया. और इंटरसेप्ट बराबर किसके हो गया? इंटरसेप्ट log 10 बेस a. क्लियर. ओके. अब अगर आपको किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर रेट कॉन्स्टेंट दे रखा है, या मैं ये कह दूं कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर किसी रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट दे रखा है और किसी दूसरे टेम्परेचर के ऊपर उसी रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट पूछा है, तो आप कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे? देखिएगा ध्यान से. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एट T1 टेम्परेचर, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? log 10 बेस K1 इज इक्वल टू log 10 बेस A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1. क्लियर. दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज 4. ओके. 8 T2 टेम्परेचर, इक्वेशन क्या हो जाएगी? log 10 बेस K2 इज इक्वल टू log 10 बेस A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. क्लियर. सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, दैट इज इक्वेशन नंबर 5 माइनस इक्वेशन नंबर 4. तो देखिएगा आपको क्या मिलेगा? log 10 बेस K2 माइनस log 10 बेस K1 इज इक्वल टू log 10 बेस A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस ब्रैकेट log 10 बेस
ए माइनस ई ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन। क्लियर? ओके, इसको मैं किस तरीके से लिखता हूँ? अगर माइनस कब आएगा? जब लॉग में डिवाइड हो, दैट इज के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ये वाला माइनस। अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस इसके प्लस से मल्टीप्लाई होगा और माइनस लॉग 10 बेस ए आ जाएगा। बाहर क्या है? लॉग 10 बेस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो क्या मिलेगा आपको? माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर जी टू माइनस माइनस प्लस, दैट इज प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन। क्लियर? कैसे रीअरेंज करूँगा इसको? तो फाइनल इक्वेशन जो आपको मिल रही है वो क्या है जो आपको याद रखनी है? लॉग 10 बेस के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। दो डिफरेंट टेम्परेचर दे रखे हैं आपको किसी रिएक्शन के, और किसी एक टेम्परेचर के ऊपर अगर उस इक्वेशन उस रिएक्शन का केमिकल रिएक्शन का अगर रेट कांस्टेंट दे रखा है तो दूसरे टेम्परेचर पर आप उसका रेट कांस्टेंट इस इक्वेशन को यूज़ में लेते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से रिलेटेड आइए कुछ अपन न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्सप्रेस्ड, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका एक्सप्रेशन आपको दे रखा है लॉग के इज इक्वल टू 2.4 माइनस 90.8 अपॉन टी। तो देखने में आपको ये आरएनएस इक्वेशन जो लॉगरिथम फॉर्म में अपन ने एक्सप्रेस करी थी उस फॉर्म में दिख रहा है, दैट इज लॉग 10 बेस के इज इक्वल टू लॉग 10 बेस ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। इस फॉर्म में आपको यह देखने को मिल रही है। आपसे पूछा है, यह एक्सप्रेशन देके आपसे पूछ रहे हैं रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 300 केल्विन। टेम्परेचर की वैल्यू 300 रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आरएनएस पैरामीटर ऑफ द रिएक्शन एट 400 केल्विन। 400 केल्विन पर आपको आरएनएस पैरामीटर फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स ये वाला पार्ट, अगर इन दोनों रिएक्शंस को, इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन कंपेयर करें तो यह वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है। दैट मीन्स सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे आप? लॉग 10 बेस ए इज इक्वल टू 2.4। क्लियर? एंटी लॉग लेके इसको सॉल्व करके आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपल। थर्ड पार्ट देखिए, ई ए ऑफ द रिएक्शन एट 500 केल्विन। ई ए निकालना है आपको, दैट मीन्स यह निकालना है। टेम्परेचर दे रखा है आपको। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे आप? ई ए अपॉन 2.303 आर टी। यह वाला पार्ट देखिएगा, यह वाला पार्ट जो है वो किसके बराबर है, किसके इक्विवेलेंट है? इस वाले पार्ट के। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 90.8 डिवाइड बाय टी। क्लियर? टी से टी कैंसिल आउट, तो क्या मिला आपको? ई ए इज इक्वल टू 90.8 इंटू 2.303 इंटू आर। क्लियर? अब अगर आर की वैल्यू, ई ए की वैल्यू डिपेंड करता है कि आप आर की वैल्यू, गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या रखते हैं। अगर कैलोरीज में रखेंगे, अगर कैलोरीज में रखेंगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2 कैलोरी पर मोल। क्लियर? अगर जूल में रखेंगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर? कैलोरीज पर कैलोरीज। ओके, क्लियर? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आरएनएस इक्वेशंस को किस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स में अपन लिख सकते हैं और क्वेश्चंस में किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है। थैंक यू।